जब हम किसी ऑर्डिनरी फ्लैश से फ़ोटोज़ लेते हैं तो नॉर्मली हर स्नैप का एक्सपोज़र बराबर नहीं दे पाते, क्योंकि हम गाइड नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करके जो फीड करते हैं अपर्चर कैमरे के अंदर, कभी कभी सही अपर्चर फीड नहीं हो पाता है, तो डिस्टेंस कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसके हिसाब से एक्सपोज़र्स भी बदलते रहते हैं। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इन फोटोज़ को आप देखना शुरू करिए कि ये एक ही प्रोग्राम की अलग अलग फोटोज़ हैं जिसमें डिस्टेंस बदलते जा रहे हैं, एंड डिस्टेंस के हिसाब से जो प्रॉपर अपर्चर होना चाहिए था वो किसी वजह से प्रॉपर सेटिंग अगर नहीं हो पा रही है, तो हर पिक्चर में आप देखेंगे कोई पिक्चर थोड़ी सी कम ज़्यादा लाइट है, कोई ज़्यादा है, कोई अंडर एक्सपोज्ड है, कोई ओवर एक्सपोज्ड है। इसमें आपको ये फ़र्क देखने में समझ में आएगा। जैसे ये पिक्चर है थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है, ये पिक्चर है बैलेंस्ड है, ये पिक्चर अगेन थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है, ये पिक्चर भी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है, ये पिक्चर ठीक है, ये पिक्चर अगेन थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है। तो ये जो आप अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग एक्सपोजर देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि हर पिक्चर में डिज़ायर्ड अपर्चर नहीं लग पाया है या डिज़ायर्ड लाइट जो है ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो ये दूसरी फ्लैश है इसको TTL फ्लैश बोलते हैं। TTL फ्लैश का मतलब ये है कि थ्रू द लेंस। इस फ्लैश में जब आप इसको कैमरे पे माउंट कर देते हैं तो इसके अंदर से निकलने वाली लाइट पूरा कैलकुलेशन कर लेती है कि कितना डायफ्राम और के ऊपर कितना लाइट फ्लैश से निकलना है। तो सबसे बड़ी खासियत इसमें ये रहती है कि आप कैमरे के अंदर कोई सा भी एक अपर्चर किसी एक ISO पे फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अपर्चर कोई भी ISO, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सा भी अपर्चर और कोई सा भी ISO लगा दें। बेसिकली हमारी फ्लैश का गाइड नंबर जितना है उसकी कैपेसिटी के अंदर ही हमारा डिस्टेंस के हिसाब से अपर्चर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ्लैश की कैपेसिटी अगर मान लो 40 गाइड नंबर की फ्लैश है और मैं उसमें डायफ्राम लगा देता हूँ 800 ISO पे और पिक्चर लेता हूँ 20 फीट की दूरी से, तो अगेन TTL होने के बावजूद भी मेरी पिक्चर डार्क हो जाएंगी। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले मुझे अपनी फ्लैश की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए कि वो फ्लैश मेरी मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक फ़ोटो ले सकती है, किस पर्टिकुलर ISO के ऊपर। तो नॉर्मली आपने जो भी ISO फीड किया है कैमरे के अंदर उसके हिसाब से एक एवरेज अपर्चर आपको कैमरे में फीड कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपने अपने कैमरे के अंदर 1000 ISO लगाया है या 800 ISO लगाया है या 1200 ISO लगाया है, नॉर्मली फ्लैश में इस तरह के ISO प्रेफर करना चाहिए क्योंकि 100 ISO 200 ISO काफ़ी कम पड़ जाते हैं फ्लैश के हिसाब से। तो नॉर्मली जब आप फ्लैश से फ़ोटो खींचते हैं तो आपको 1000 800 1200 कुछ इस तरह का ISO लगा देना चाहिए, और उसके हिसाब से एक जो एवरेज अपर्चर है 8 ले लीजिए, 7.1 ले लीजिए, मैक्सिमम 10 ले लीजिए, और उसको आप अपने TTL फ्लैश के अंदर कैमरे के अंदर फीड कर दीजिए। उसके बाद फिर जब आप अलग अलग डिस्टेंस से फ़ोटो खींचते रहेंगे तो आपके डिस्टेंस के हिसाब से फ्लैश के अंदर से निकलने वाली लाइट अपने आप कम ज़्यादा होके एक्सपोज़र को बैलेंस कर देगी। ये हम आपको अभी करके दिखाते हैं। सबसे पहले फ्लैश को ऑन करिए। फ्लैश ऑन करने के बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर ITTL लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब फ्लैश मेरी TTL मोड में आ गई है। TTL मोड में आने के बाद आपके कैमरे में जो भी डायफ्राम आपको लगाना हो आप लगा दीजिए। मान लीजिए कि आपने उसमें कोई सा भी डायफ्राम लगाया है, अभी इसमें 7.1 लगा हुआ है, तो आप देखिए आपकी फ्लैश पे 7.1 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपकी फ्लैश कैमरे में समय 7.1 डायफ्राम लगा हुआ है। आप पहली पिक्चर लीजिए, पहली पिक्चर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी पिक्चर अंडर एक्सपोज्ड है, मुझे थोड़ा सा और उसको कंपनसेट करना है, तो यहाँ पर ये कंपनसेट का बटन रहता है, जैसे अभी 0.3 प्लस हो गया,
फिर अगेन 0.7 प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, 1.3 प्लस हो गया, 1.7 प्लस हो गया। उसी तरीके से अगर ओवर एक्सपोज्ड हो रही है तो आप इसको माइनस साइड में भी ले जा सकते हैं, -0.3 हो गया, -0.7 हो गया, -1 हो गया। तो जैसा चाहें वैसा आप अपने एक्सपोजर की क्वालिटी के हिसाब से, जो भी आपका उस समय का एक्सपीरियंस है कि आपका पिक्चर ओवर साइड में जा रही है या अंडर साइड में जा रही है, उसको कंपनसेट कर दीजिए। और सिर्फ एक बार करना है किसी फंक्शन में, उसके बाद उसी सेटिंग के ऊपर आप सारी फ़ोटोज़ खींचते रहिए, सारी पिक्चर्स आपकी एक ही टोन में आएंगी। TTL मोड में डालने के बाद हमने एक ISO सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने हमारे कैमरे में ISO 800 सेलेक्ट कर लिया है। 800 ISO सेलेक्ट करने के बाद शटर स्पीड हमने हमारे कैमरे की 200 लगा दिया है। और एक चीज़ का और ध्यान रहना चाहिए कि पूरे टाइम में कैमरा आपका मैनुअल मोड पे होना चाहिए। तो ये शटर स्पीड और अपर्चर दोनों मैनुअल मोड पे काम करेगा और ISO भी मैनुअल मोड पे रहेगा, तो तीनों आइटम मैनुअल मोड पे रहेंगे। तो अभी हमने हमारे फ्लैश की कैमरे की जो शटर स्पीड है वो 200 डाल दी है और हमारा जो डायफ्राम है वो हमने 7.1 डाल दिया है। इसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचिए तो ऑब्जेक्ट अभी हमारे से कितनी भी दूरी पर हो उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी ये पिक्चर हमने ली है और ये बिल्कुल बैलेंस्ड आ रही है। देखिए इसमें अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो गई है तो इसमें आपके फ्लैश में एक कंपनसेटिंग फैक्टर होता है, उसके हिसाब से आप हर 0.3 के ऊपर इसको एक्सपोज़र को बढ़ा भी सकते हैं और हर 0.3 के ऊपर पॉइंट एक्सपोज़र को घटा भी सकते हैं। तो अभी मैंने इसको 0.3 एक्सपोज़र प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद हम पिक्चर लेते हैं, देखते हैं हमारी पिक्चर कैसे आती है। ये पिक्चर पिछली वाली से थोड़ी सी और ब्राइट हो गई। अब अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और ब्राइट करना है इसको, तो आप इसको 0.3 और बढ़ा सकते हैं। और 0.3 और बढ़ाने के बाद जब आपने पिक्चर लिया तो ये जो भी समझ में आता हो, जिसका जैसा टेस्ट हो उसके हिसाब से, अगर इस पे रखना है तो आप इस पे रख सकते हैं, इसके पहले वाला जो एडजस्टमेंट था उस पे भी रख सकते हैं। पहले किसी भी स्टेज पे जहाँ भी आप गए हो फोटो खींचने के लिए, एक फ़ोटो खींचिए, प्रीव्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि पिक्चर मेरी थोड़ी सी अंडर साइड में जा रही है तो एक 0.3 उसको बढ़ा दीजिए। उसके बाद भी लग रहा है थोड़ी सी अंडर जा रही है उसको 0.3 और बढ़ा दीजिए। और ये तब तक करते रहिए जब तक कि आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसको 0.3 से लेके 5 तक इसका कंपनसेटिंग फैक्टर्स बढ़ाया जा सकता है। इसमें हर 0.3 पे एक एक स्टेप्स आगे बढ़ता है। 0.3 के बाद 0.7, 0.7 के बाद 1 है, 1 के बाद 1.3 है, 1.7 है, फिर अगेन 2 है। इस तरह से आप 5 तक जा सकते हैं। एक बार आपने अगर अपना सेटिंग इसमें कर दिया और वो आपको पसंद आ गया तो उसके हिसाब से अब आपका ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दीजिए, आप जहाँ भी डाल दीजिए आपका बराबर आता रहेगा। आप कहीं भी खींचते रहिए, आपसे डिस्टेंस कितना भी दूर फर्क पड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्ट कितनी ही दूर होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप घूम घूम के फ़ोटो खींचते रहिए। उसके अलावा एक्सपोजर आपका सेम आता रहेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करना है, मुझे डायरेक्ट फ्लैश नहीं डालनी है, तो आप इसको ऊपर कर दीजिए और इसका रिफ्लेक्टर निकाल लीजिए। अगेन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा अपने आप सब कुछ रीड कर लेगा क्योंकि आपका उसमें TTL मोड लगा हुआ है। ये अपने आप सेम एक्सपोजर आ रहा है, मतलब हमने कैमरे में जो एक्सपोजर लगाया हुआ है, फ्लैश में जो कंपनसेशन में डाला हुआ है, उसके हिसाब से लाइट मेरी अपने आप कंट्रोल हो रही है। और जहाँ जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा उसके हिसाब से पिक्चर चेंज होती रहेगी, लेकिन एक्सपोजर की क्वालिटी वही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ छत से बाउंस करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप छत से बाउंस कर लीजिए, लेकिन मेरा अपर्चर वही रहेगा और एक्सपोजर कंपनसेशन भी वही रहेगा, तो भी पिक्चर बराबर आएगी।
अगेन सेम डायफ्राम है, सेम डायफ्राम पे लाइट अपने आप कम ज़्यादा हो रही है। अब इसमें आप कुछ भी अरेंजमेंट सकते हैं, कहीं भी दूर लगा सकते हैं, जितनी दूर भेज दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका बराबर होता रहेगा। ये है फ़र्क आपके TTL में और एक ऑर्डनरी फ्लैश में। अगर आपने एक बार TTL में एक डायफ्राम डाल के, एक ISO डाल के उसके ऊपर कंपनसेशन फैक्टर लगा लिया है, तो पूरे एक हॉल के अंदर या जो भी आपका अरेंजमेंट है, जहाँ भी आप फोटो खींच रहे हैं, सारी पिक्चर्स का एक्सपोजर एक टोन में, एक डिटेल में आएगा, और जितनी फ़ोटो का आप रिव्यू करेंगे सब एक जैसे आएंगे। इसलिए कभी भी अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले आप फ्लैश को TTL मोड में डाल दीजिए, कैमरे के अंदर कोई भी एक अपर्चर और कोई भी एक ISO सेलेक्ट कर लीजिए। अपर्चर और ISO दोनों कैमरे फ्लैश की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने अपर्चर फिक्स कर दिया है, उसके ऊपर आप डिस्टेंस के हिसाब से कोई बादर करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोटो खींचते रहिए, आपकी सारी पिक्चर्स एक टोन में आएंगी।